press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. पंजाब के पठानकोट से पुलिस ने चार संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। पंजाब के नंगलपुर से चार लोगों की गिरफ्तारी की गई और इनसे पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि चारों संदिग्ध सेना की वर्दी में घूम रहे थे। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने तुरंत कार्यवाही करते हुए संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया। चारों संदिग्ध स्कॉर्पियो में सवार थे। दरअसल पिछले दिनों अमृतसर के राजसांसी स्थित डेरे में बम धमाके के बाद से ही पंजाब हाई अलर्ट पर है। इसके तहत लगातार प्रदेश के चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। हर जगह बदमाशों की धरपकड़ के साथ ही आरोपियों को पकड़ने के लिए सघन तलाशी की जा रही है। ऐसे वक्त में पठानकोट से चार संदिग्धों की गिरफ्तारी काफी अहम मानी जा रही है। पंजाब में लंबे समय से आतंकियों की ओर से बड़ी वारदात को अंजाम देने की सूचना के बाद से ही पंजाब में हाई अलर्ट किया हुआ है। सुरक्षा एजेंसियों की ओर से जारी इस चेतावनी के बाद ही पंजाब पुलिस मुस्तैद है। इससे पहले भी कुछ दिन पहले पंजाब के पठानकोट में गांव वालों ने संदिग्ध लोगों को देखने का दावा किया था, जिसके बाद पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। पुलिस का कहना है कि संदिग्धों को देखे जाने के बाद पुलिस ने पठानकोट के सैदीपुर गांव और आसपास के इलाकों में तलाशी अभियान तेज कर दिया। पुलिस ने बताया कि एक किसान ने दावा किया कि उसने 6 संदिग्ध लोगों को देखा था। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।